Hello everyone and welcome back to yet another video from my channel Interactive Education, running for the best education possible from the student to the student. मैं हूं जयदीप सिंह और मैं आ गया हूं वापस एक और क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड का पार्ट 2 लेकर और वो है प्रिंट कम्स टू यूरोप. तो अभी तक हमने देखा है कि बेसिकली प्रिंट का कितना यूज जापान में हुआ, चाइना में हुआ, बेसिकली हमने इसको एशियन पर्सपेक्टिव से अभी देखा है. लेकिन अब हम देखेंगे कि कैसे ये जो प्रिंट है ये यूरोप तक आया, कैसे यूरोप में आने के बाद इसके पूरे वर्ल्ड में पॉपुलराइजेशन हो गया और कैसे इसने प्रिंट में एक पूरे तरह का रेवोल्यूशन लाया. बेसिकली सिल्क रूट के बारे में आपने सुना ही होगा. ये बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट था जो एशिया से होकर यूरोप तक कनेक्ट करता था कंट्रीज को. और बेसिकली इस रूट के द्वारा सिल्क का ट्रेड होता था, स्पाइसेस का ट्रेड होता था, क्लोथिंग का ट्रेड होता था, आइडियाज का ट्रेड होता था और फ्रेंड्स इसी से प्रिंट का भी ट्रेड हुआ. बेसिकली सिल्क रूट में बहुत सालों तक सिल्क और स्पाइसेस का ट्रेवल होता रहा. बहुत सालों तक सिल्क एंड स्पाइसेस दे वर टेकन फ्रॉम चाइना टू यूरोप वाया द सिल्क रूट फॉर मेनी मेनी ईयर्स. लेकिन 11th सेंचुरी से ऑनवर्ड्स, फ्रॉम द 11th सेंचुरी चाइनीज पेपर वाज आल्सो टेकन टू यूरोप वाया द रूट. 11th सेंचुरी से आगे की जितना भी टाइम था वहां से चाइनीज पेपर, उस टाइम पर चाइनीज पेपर भी यूरोप से चाइनीज पेपर भी चाइना से यूरोप ले जाया जाता था. इट वाज टेकन फ्रॉम चाइना टू यूरोप वाया दिस रूट फ्रॉम द 11th सेंचुरी. इन पेपर्स का यूज करके यूरोप में मैन्यूस्क्रिप्ट्स बनने शुरू हो गए. सो यूजिंग दीज पेपर्स मैन्यूस्क्रिप्ट्स कुड बी रिटन समथिंग विच वॉज डन बाय स्क्राइब्स. और स्क्राइब्स क्या होते थे? ये होते थे स्किल्ड राइटर्स. ये बेसिकली स्किल्ड राइटर्स होते थे जिनका काम ही होता था लिखना. दे यूज टू राइट. सो यूजिंग दीज पेपर्स मैन्यूस्क्रिप्ट्स कुड बी रिटन. मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखे जा सकते थे. ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स हिस्टोरिकल पीसेज ऑफ एविडेंस भी माने जाते हैं और बेसिकली उस टाइम पर ये बहुत इंपॉर्टेंट होते थे लिटरेचर पढ़ने के लिए और दूसरी चीजें पढ़ने के लिए. सो यूजिंग पेपर्स दीज मैन्यूस्क्रिप्ट्स कुड बी रिटन एंड दिस वॉज समथिंग विच वॉज डन बाय स्क्राइब्स. ठीक है, जो कि स्किल्ड राइटर्स होते थे. अभी हमने ये देखा कि कैसे फाइनली चाइनीज पेपर आपके यूरोप तक पहुंचा. लेकिन क्या सिर्फ ये मूवमेंट पेपर तक सीमित रही? क्या एक्चुअल जो वुड प्रिंटिंग का जो टेक्निक हमने चाइना में पढ़ा है क्या वो कभी यूरोप में नहीं आया? आया फ्रेंड्स, वो आया और वो लाया मार्को पोलो ने. मार्को पोलो वॉज बेसिकली एन इटालियन ग्रेट एक्सप्लोरर. ही वॉज अ ग्रेट इटालियन एक्सप्लोरर. वो एक एक्सप्लोरर थे, जैसे कि क्रिस्टोफर कोलंबस भी एक यूरोपियन एक्सप्लोरर थे, मार्को पोलो भी एक इटालियन एक्सप्लोरर थे, बहुत महान इटालियन एक्सप्लोरर थे. बेसिकली ये चाइना बहुत ज्यादा एक्सप्लोरेशन करने गए थे और चाइना से ये इटली 1295 में वापस आ गए. 1295 में ये चाइना से इटली वापस आ गए और अपने साथ इन्होंने वुड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी भी लाई जो चाइना में यूज होती थी. तो जो चाइना में वुड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी यूज होती थी वो ये चाइना से इटली तक लेकर आए. देन यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी बुक्स वर प्रोड्यूस्ड यूजिंग द वुड ब्लॉक्स. जो इंक्ड वुड ब्लॉक्स होते थे उन पर पेपर रख के रब करके इम्प्रिंट्स बनाए जाते थे, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है. तो वैसे ही ये वुड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी यूरोप में भी फॉलो होने लगी, बेसिकली इटली में शुरू में फॉलो होने लगी और उसके बाद ये पूरे यूरोप में फैल गई. द टेक्नोलॉजी स्प्रेड अक्रॉस यूरोप. राइट, अब ये तो बात हो गई, लेकिन क्या सारी बुक्स ऐसे ही प्रिंट होने लगी? ऐसा नहीं है फ्रेंड्स. आपको पता है पहले इस वुड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के आने से पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखे जाते थे, हैंड रिटन बुक्स होती थी. तो जो भी जो लग्जरी कॉपीज होती थी हो ना, जो लग्जरी कॉपीज जो ये बड़े बड़े लोग पढ़ते थे, अरिस्टोक्रेट्स पढ़ते थे, जो ये किंग्स पढ़ते थे, जो हाई सेक्शंस ऑफ सोसाइटी पढ़ा करती थी और जो थोड़ी हाई क्वालिटी की होती थी, थोड़ी एक्सपेंसिव होती थी, ये लग्जरी कॉपीज अभी भी हैंड रिटन होती थी. ठीक है, और ये लग्जरी कॉपीज अरिस्टोक्रेट्स के लिए बनाई जाती थी और जो मोनास्टिक लाइब्रेरीज थी उनके लिए बनाई जाती थी. मोनास्टिक लाइब्रेरीज मींस आपको जब पैसे देकर बुक खरीदनी पड़ती है, तो मोनास्टिक लाइब्रेरीज के लिए और अरिस्टोक्रेट्स के लिए ये बुक्स लिखी जाती थी. अभी भी हैंड रिटन बुक्स लिखी जाती थी, वहां पे इस प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज अभी नहीं स्टार्ट किया गया.
लेकिन क्योंकि ये बुक्स थोड़ी सस्ती होती थी, ये जो वुड प्रिंटेड बुक्स होती थी ये थोड़ी चीपर होती थी, इसलिए मर्चेंट्स और स्टूडेंट्स जिनको ज्यादा पैसा नहीं खर्चना है, दे वॉन्ट टू कीप देयर कॉस्ट मिनिमम, तो ये जो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी थे इन्होंने वो चीपर कॉपीज खरीदी जो वुड प्रिंटेड कॉपीज होती थी. ठीक है, तो ये मर्चेंट्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी टाउन्स दे यूज टू बाय द चीपर कॉपीज, दैट इज द वुड प्रिंटेड कॉपीज. क्लियर है? आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. राइट, तो अभी तो हमने देखा कि कैसे ये वुड प्रिंटिंग आ गई यूरोप में. ठीक है, लेकिन क्या डिमांड का क्या हुआ, ये क्या इसके बाद कोई डिमांड बढ़ी, क्या मार्केट में कुछ बदलाव आया? आया फ्रेंड्स, क्योंकि जैसे जैसे प्रिंट टेक्नोलॉजी बढ़ी, प्रिंट टेक्नोलॉजी फैली, वैसे वैसे बुक्स पूरे वर्ल्ड में फैलती गई, डिफरेंट एरियाज में फैलती गई. और यूरोप तो आपको पता है वर्ल्ड का एक सेंटर था, और अगर यूरोप में कोई चीज पॉपुलराइज होगी तो ऑब्वियसली उसका डिमांड पूरे वर्ल्ड में इंक्रीज हो जाएगा. सो ग्रेजुअली द डिमांड फॉर बुक्स वेंट अप, ये जो बुक्स की डिमांड है ये काफी देर तक इंक्रीज होने लगी. ये डिमांड बुक्स की जब इंक्रीज होने लगी तो यूरोपियन बुक सेलर्स ने बुक्स को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, उन्होंने बुक्स को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया टू डिफरेंट कंट्रीज, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज में बुक्स की डिमांड इंक्रीज हो रही थी. तो उस डिमांड को मीट करने के लिए यूरोपियन बुक सेलर्स ने बुक्स को डिफरेंट कंट्रीज में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया. डिफरेंट कंट्रीज में बुक फेयर्स लगाए गए, बुक फेयर्स लगाए गए. आज भी आप बहुत सारे बुक फेयर्स देखेंगे, कवि सम्मेलन देखेंगे, ये जो साहित्य सम्मेलन देखेंगे, राजपूत साहित्य सम्मेलन, जयपुर साहित्य सम्मेलन, बहुत कुछ देखने को मिलता है. तो ये बुक फेयर्स उस टाइम भी लगाए जाते थे जहां पे रीडिंग इनकरेज की जाती थी, जहां पे आपके राइटर्स आया करते थे, वो अपनी बातें बताया करते थे, वहां बुक्स पर डिस्कशन होती थी, बुक्स बेची जाती थी, बुक्स पढ़ी जाती थी. सो बुक फेयर्स वर हेल्ड एंड प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स वॉज एक्सपैंडेड टू मीट डिमांड. अब हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स की भी कहीं कहीं डिमांड रहती थी, केवल सारे लोग प्रिंटेड बुक्स नहीं पढ़ना चाहते थे, कुछ लोग हैंड रिटन बुक्स भी पढ़ना चाहते थे. तो उस हैंड रिटन बुक्स की डिमांड को मेंटेन करने के लिए, हैंड रिटन बुक्स की डिमांड को मीट करने के लिए भी ये हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स का प्रोडक्शन एक्सपैंड किया गया. और ये कैसे एक्सपैंड किया गया? ये एक्सपैंड किया गया बहुत सारे स्क्राइब्स को एम्प्लॉय करके, बहुत सारे स्क्राइब्स को एम्प्लॉय किया गया बाय बुक सेलर्स. बुक सेलर्स ऑल्सो बिगैन एम्प्लॉइंग स्क्राइब्स. अब इस टाइम पे चेंज ये आया कि पहले पहले ये जो हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स के लिखने के लिए जो स्क्राइब्स एम्प्लॉय होते थे वो यूजुअली एरिस्टोक्रेटिक लोग करते थे, हाई सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लोग ही उन्हें हायर किया करते थे. लेकिन ड्यूरिंग दिस पीरियड जब ये बुक्स की डिमांड ग्रो हो गई यूरोप में और ये सब होने लगा, तो उसके बाद बुक सेलर्स ने भी स्क्राइब्स को एम्प्लॉय करना शुरू कर दिया. अब स्क्राइब्स केवल आपके एरिस्टोक्रेट्स एम्प्लॉय नहीं करते थे, अब बुक सेलर्स ने भी स्क्राइब्स को एम्प्लॉय करना शुरू कर दिया था. क्लियर? तो बेसिकली डिमांड, बुक्स की डिमांड को मीट करने के लिए ये सब किया गया. ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या इससे बुक्स की डिमांड कंप्लीटली मीट हो गई? नहीं हुई फ्रेंड्स. इसके कारण भी, इसके इससे भी बुक्स की डिमांड फुलफिल नहीं हो पाई. सो द डिमांड्स वर नॉट सैटिस्फाइड. हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स की कुछ एक्चुअली प्रॉब्लम्स होती थी, और इन्हीं प्रॉब्लम्स के कारण कुछ कुछ क्या बोल सकते हैं, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो रहे थे इन दिस, इन फुलफिलिंग दीज डिमांड्स. सो हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स एक्चुअली पोज्ड सेवरल प्रॉब्लम्स. इन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स दी. पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि इनकी कॉपीइंग हैंड रिटन होती थी. ऑब्वियसली यू नो स्क्राइब्स यूज्ड टू डू दिस, एंड वो हैंड रिटन कॉपीइंग होती थी. सो द कॉपीइंग वाज लेबोरियस, टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव. वो बहुत मेहनत का काम होता था, टाइम कंज्यूमिंग, उसमें बहुत टाइम लगता था ऑब्वियसली, क्योंकि एक एक शब्द बहुत खूबसूरती से आपको ब्यूटिफुली लिखना होता था, वो भी एक एक शब्द टाइम लगता था. एंड इट ऑल्सो यूज टू बी एक्सपेंसिव, क्योंकि ये कठिन काम है, लेबोरियस काम है, टाइम कंज्यूमिंग काम है, इसलिए इसके लिए पैसे भी ज्यादा लगते थे, पैसे भी आपको ज्यादा देने पड़ते थे स्क्राइब्स को, एंड स्क्राइब्स हैड टू बी पेड हाई. दैट इज व्हाई इट वाज एन एक्सपेंसिव मेथड. ठीक है, तो कॉपीइंग एक एक्सपेंसिव प्रोसेस था, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था, लेबोरियस प्रोसेस था, तो ये काफी मुश्किल होता था. दूसरा प्रॉब्लम इसकी ये थी, मैन्यूस्क्रिप्ट्स की दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि वो इजीली स्पॉइल हो जाते थे, क्योंकि वो आसानी से स्टोर नहीं हो सकते. हैंड रिटन होते हैं वो पेपर्स काफी वीक होते हैं, पोरस होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, तो ये आसानी से खराब हो जाते थे, एंड दे वर डिफिकल्ट टू हैंडल, कैरी और रीड. इन्हें इनका खतरा रहता था कि हमेशा खराब हो जाएंगे या फट जाएंगे, या इन्हें पढ़ने में भी कभी कभी कठिनाई होती थी, बिकॉज इट वॉज डिफिकल्ट टू कैरी, दे वर नॉट इजिली पोर्टेबल. दैट इज वाई ये कुछ प्रॉब्लम्स थी मैन्यूस्क्रिप्ट्स की, और इसके कारण इनका एक्सपोर्ट भी काफी रिस्ट्रिक्टेड था, और इनको बनाने में भी काफी टाइम लगता था. ठीक है,
तो इसीलिए ये मैन्यूस्क्रिप्ट सर्कुलेशन रिमेन्ड लिमिटेड, ये जो सर्कुलेशन रहती थी मैन्यूस्क्रिप्ट्स की ये काफी लिमिटेड रहती थी, क्योंकि इसको इजीली सर्कुलेट करना डिफिकल्ट होता था बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, ऑब्वियसली कॉपीइंग वाज डिफिकल्ट एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स आसानी से खराब हो जाते थे। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया गया? सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम को रिसॉल्व दिस प्रॉब्लम वाज रिजॉल्वड बाय अ वाइडर एंड मोर पॉपुलर यूज ऑफ द वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का यूज थोड़ा वाइडर स्केल पर होने लगा, मोर पॉपुलर स्केल पर होने लगा, और जब ये हुआ तो ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम काफी हद तक रिजॉल्व हो गई, क्योंकि ये जो बुक वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से जो बुक्स बनती थी देवर बेटर क्वालिटी, देवर क्विकर एंड ऑब्वियसली इट वॉज इजियर टू कैरी देम। ठीक है, क्योंकि आपने देखा वो किस फॉर्म में होती थी, अकॉर्डियन फॉर्म में होती थी, वो इजिली कैरी भी की जा सकती थी। इट वॉज क्लियर हाउएवर, लेकिन इससे एक बात तो साफ हो गई, हालांकि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ने भी काफी हद तक हेल्प की, लेकिन अगेन इट ऑल्सो हैड इट्स प्रॉब्लम्स, वो भी थोड़ा टीडियस होता था, ऑब्वियसली बेटर देन मैन्यूस्क्रिप्ट्स, लेकिन उसकी भी कुछ अपनी प्रॉब्लम्स थी। तो इस टाइप पे एक चीज तो क्लियर हो गई फ्रेंड्स, क्लियर ये हो गया कि अ फास्टर टेक्स्ट रिप्रोड्यूसिंग टेक्नोलॉजी हैड बिकम नेसेसरी। एक वाइडर बेटर फास्टर मोर एफिशिएंट टेक्स्ट रिप्रोड्यूसिंग टेक्नोलॉजी, टेक्स्ट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट नीड बन चुकी थी, एक जरूरत बन चुकी थी कि एक बहुत तेजी से चलने वाला, एक एफिशिएंट वे में चलने वाला टेक्स्ट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी लाई जाए और इसको समझा जाए। ये बात काफी लोगों ने इस टाइम तक समझ ली थी, दैट देयर वाज अ नीड फॉर सच अ टेक्नोलॉजी, फास्टर रिप्रोड्यूसिंग टेक्नोलॉजी, फास्टर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। तो अब क्या ये टेक्नोलॉजी आई? सोचिए, क्या ये आई? डेफिनेटली आई फ्रेंड्स, और ये लाई जर्मनी के एक गोल्डस्मिथ ने जिसका नाम था जोहान गटनबर्ग। जोहान गटनबर्ग एक जर्मन गोल्डस्मिथ थे और इन्होंने 1430 में द फर्स्ट मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट किया था। ठीक है, 1430s में। बेसिकली ये एक मर्चेंट के बेटे थे, ही वॉज द सन ऑफ अ मर्चेंट, मर्चेंट आपको पता है ट्रेडर्स होते हैं, तो ये एक मर्चेंट के बेटे थे और ये एक लार्ज एग्रीकल्चरल एस्टेट में पले भरे थे, तो ये एक्चुअली काफी रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। ही वॉज फ्रॉम अ वेल ऑफ फैमिली एंड ही वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप ऑन अ लार्ज एग्रीकल्चरल एस्टेट, बहुत बड़ा एग्रीकल्चरल एस्टेट था इनके फादर का। ठीक है, बेसिकली इन्होंने वाइन और ऑलिव प्रेसेस देखे थे, इन्होंने पहले वाइन और ऑलिव प्रेसेस देखे थे फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। बेसिकली क्योंकि एक एग्रीकल्चरल एस्टेट से थे, एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से थे, तो इन्होंने काफी वाइन और ऑलिव प्रेसेस देखे थे जहां पे ये वाइन का प्रोडक्शन होता था और ऑलिव का प्रोडक्शन होता था। ऑलिव से बेसिकली जूस बनाया जाता था या ऑलिव का यूज करके प्रिंटिंग की जाती थी। तो बेसिकली इन्होंने ऐसे वाइन और ऑलिव प्रेसेस देखे थे क्योंकि ये एग्रीकल्चरल सेक्टर में काफी कॉमनली यूज होते थे उस टाइम। ही ऑल्सो लर्न हाउ टू पॉलिश स्टोन्स एंड बिकेम अ मास्टर गोल्डस्मिथ। इन्होंने स्टोन्स को पॉलिश करना सीखा था और इसके कारण ये एक मास्टर गोल्डस्मिथ बन गए थे। गोल्डस्मिथ आपको पता है जो गोल्ड बनाता है, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बनाता है, गोल्ड के आभूषण बनाता है, तो बिकॉज ऑफ पॉलिशिंग स्टोन्स ही बिकेम अ मास्टर गोल्डस्मिथ। इन्होंने लेड के मोल्ड, लेड आपको पता है ना, लेड मेटल, उसके मोल्ड बनाना भी सीखा था। अब उस लेड मोल्ड के तरीके, मोल्ड मतलब छोटे छोटे गोले, ठीक है, छोटे छोटे गोले जो हो सकते हैं या यू नो स्मॉल स्मॉल पीसेस, तो लेड मोल्ड्स बनाना भी इन्होंने काव करना सीखा था और बेसिकली ऑलिव प्रेसेस के नॉलेज से और लेड मोल्ड्स बनाने के तरीके के नॉलेज से इन्होंने अपनी प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट की थी। सो यूजिंग द मॉडल ऑफ द ऑलिव प्रेस एंड लेड मोल्ड्स फॉर द मेटल टाइप्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट, लेड मोल्ड्स इन्होंने यूज किया लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट का मेटल कार्विंग बनाने के लिए। तो बेसिकली अगर मुझे ए बनाना है तो मैं मेटल कार्विंग बनाऊंगा लेड की ऐसे ए, ठीक है, तो उन्होंने ऐसे कार्विंग्स बना दी एक प्लेट के ऊपर ताकि वो प्रिंट किया जा सके। ठीक है, तो अब ऐसे लेड मोल्ड्स का यूज करके उन्होंने ऐसे मेटल टाइप्स का यूज करके कार्विंग बना दी लेटर्स की और इसका यूज करके साथ साथ ही ऑलिव प्रेस के मॉडल का यूज करके ही डिजाइंड हिज ओन प्रिंटिंग प्रेस, ही डिजाइंड हिज ओन प्रिंटिंग प्रेस। इन्होंने अपनी नई प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट की जिसने बाद में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाया प्रिंटिंग में। क्लियर, द फर्स्ट बुक ही प्रिंटेड वॉज द बाइबल। ठीक है, सबसे पहली बुक जो इन्होंने प्रिंट की थी वो बाइबल थी जो कि क्रिश्चियन होली बुक है और बेसिकली ये इन्होंने 3 सालों में 180 बुक्स
कॉपीज ऑफ द बाइबल प्रिंट की. इन 3 ईयर्स ही प्रिंटेड 180 कॉपीज ऑफ द बाइबल. और अभी आप सोच सकते हैं सर ये तो बहुत छोटा नंबर है 3 सालों के लिए, लेकिन एक्चुअली फ्रेंड्स उस टाइम के लिए ये एक बहुत 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 बड़ा नंबर था. 180 बुक्स, 180 कॉपीज इन 3 ईयर्स, वेरी वेरी बिग नंबर फॉर दैट टाइम. ठीक है, तो ये एक टेक्नोलॉजी आ गई, तेजी से काम करने वाली टेक्नोलॉजी, एफिशिएंटली काम करने वाली टेक्नोलॉजी. ये एक टेक्नोलॉजी आ गई और अल्टीमेटली एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया फ्रेंड्स. लेकिन आप सोचोगे सर यहां क्रांति कहां हो रही है, लड़ाई कहां हो रही है? और लड़ाई तो नहीं रही है फ्रेंड्स, लेकिन प्रिंट में रेवोल्यूशन आ रहा है. एंड द रेवोल्यूशन फाइनली बिगैन 1450 से लेकर 1550 तक. प्रिंटिंग प्रेसेस पूरे यूरोप में स्थापित किए गए, पूरे यूरोप में प्रिंटिंग प्रेसेस एस्टैब्लिश किए गए. फ्रॉम 1450 टू 1550 प्रिंटिंग प्रेसेस वर सेट अप ऑल अक्रॉस यूरोप. जर्मनी, जहां पर ये प्रिंटिंग प्रेस बनाई गई थी जोहान गॉटनबर्ग द्वारा, प्रिंटर्स फ्रॉम जर्मनी ट्रैवल टू अदर कंट्रीज, वो दूसरी कंट्रीज में जाने लगे काम के सिलसिले में जाने लगे, फॉर सीकिंग वर्क एंड ऑल्सो फॉर सेटिंग अप न्यू प्रेसेस. क्योंकि जर्मन प्रिंटर्स जो थे उनको काफी नॉलेज थी गटेनबर्ग प्रेस के बारे में, तो उन्होंने काम ढूंढने के लिए उस प्रिंटर का उस बेसिकली उस प्रिंटिंग प्रेस का ऑपरेटर बनने के लिए डिफरेंट कंट्रीज में जॉब ढूंढी, और उन्होंने कुछ कंट्रीज में प्रेसेस लगाना सेटअप करने में भी हेल्प की. इस प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद पूरे वर्ल्ड में जो बुक प्रोडक्शन का प्रॉब्लम चल रहा था वो बुक प्रोडक्शन बूम कर गई. बुक प्रोडक्शन बहुत तेजी से होने लगी, हर जगह प्रिंटिंग प्रेस एस्टैब्लिश हो गए. जोहान गटेनबर्ग का जो प्रिंटिंग प्रेस है वो एक हिट हो गया, वो बुक प्रोडक्शन को बूम कर गया और इकोनॉमिक ग्रोथ को ऐसे जंप दिया उसने. एंड विद द यूज ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस ऑब्वियसली बुक प्रोडक्शन शॉट अप, इट वॉज अ कंप्लीट कंप्लीट सक्सेस. लेकिन फ्रेंड्स इसका एक वाइडर कॉन्सिक्वेंस भी था, और वो समझना इस पॉइंट पे बहुत इंपॉर्टेंट है. उसका वाइडर कॉन्सिक्वेंस ये था कि बाय द 16th सेंचुरी ये प्रिंटिंग प्रेस का यूज इतना फैल चुका था कि हैंड प्रिंटिंग से मैकेनिकल प्रिंटिंग का जो पूरा ट्रांजिशन था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया. और ये ट्रांजिशन रिप्रेजेंट करता था द बिगिनिंग ऑफ द प्रिंट रेवोल्यूशन. ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता था द बिगिनिंग ऑफ द प्रिंट रेवोल्यूशन, और इस बिगिनिंग ऑफ द प्रिंट रेवोल्यूशन को हम देखेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर. सो थैंक यू वेरी मच जॉइनिंग मी, आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग. इफ देयर इज एनी अदर काइंड ऑफ डाउट यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. टू गो टू द नेक्स्ट लेक्चर जस्ट क्लिक हियर. थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, स्टे हेल्थी, स्टे स्मार्ट एंड डू कीप स्टडीइंग. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग द नेक्स्ट यूनिट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द प्रिंट रेवोल्यूशन. थैंक यू.